क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आपको आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत प्रतिदिन नए नए एपिसोड दिखाते हैं और उन एपिसोड के माध्यम से सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंतर्गत आपका रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके आपको राइट बिलीफ पे लाते हैं। आपके नकारात्मक सोच को तिरोहित कर उसको सकारात्मक बदलते हैं ताकि आप एक अच्छा इंसान बन सकें और अपने मानव जीवन को सार्थक बना सकें। हर एपिसोड शिक्षा देने वाला है क्योंकि हर एपिसोड के अंदर केंद्र में आत्मा है। ये पूरा हमारा कार्यक्रम आत्मविज्ञान है। केंद्र में आत्मा को रख करके इंसान को कैसे अच्छा बनाया जाए, एक अच्छे समाज की कैसे रचना की जाए, एक अच्छे देश की कैसे रचना की जाए और एक कैसे अच्छा विश्व बनाया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। तो आज का हमारा विषय है आत्मानंद और विश्वानंद। बहुत ही सुंदर विषय है। देखिए, हमारे सामने दो जगत है, एक तो बाहर का जगत और एक भीतर का जगत। बाहर का जगत 5 इंद्रियों के द्वारा संपर्क में आता है, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि। आंखें बाहर देखती है, कान बाहर से सुनते हैं, नाक बाहर से सुगंध लेता है और ये त्वचा है वो बाहर से स्पर्श करती है और हमारी जीभ जो है ये बाहर से स्वाद लेती है। तो इसके कुल 5 इंद्रियों के 23 तरह के विषय है क्योंकि हर एक के अंदर जो है सुगंध, दुर्गंध, इस तरीके से अलग अलग वर्गीकरण है। तो ये 5 इंद्रियां बाहर से 23 विषय लेकर के और भीतरी जगत को देती है। तो ये तो हमारा बाह्य जगत हुआ जिसके अंदर 5 इंद्रियों का सारा काम चलता है। भीतरी जगत के अंदर मन होता है, उसके बाद बुद्धि होता है, बुद्धि होती है, फिर चित्त होता है, प्रज्ञा होती है, आत्मा होती है। भीतर का जगत विशाल है और भीतर से बाहर की ओर आता है। भीतर का जगत अति सूक्ष्म है और बाहर का जगत स्थूल है और भीतर के नियम अलग है, बाहर के नियम अलग है। भीतर पावरफुल होने के कारण यह बाहर को संचालित करता है। बाहर का जितना संचालन होता है भीतर से होता है। तो हमारे दो तरह के आनंद की हमने बात की, एक तो विषयानंद जो हमारी इंद्रियों के विषय है जो कि बाहर से आते हैं और बाहर के जगत से लिए जाते हैं, उनके अंदर रहने वाला व्यक्ति, उनमें आनंद प्राप्त करने वाला व्यक्ति विषयानंद कहलाता है। और दूसरी तरफ जो हमारा भीतर का जगत है, जो आत्मा का जगत है, आत्मा का साम्राज्य है, उसका आनंद लेने वाला वह आत्मानंद कहलाता है। अब इन दोनों को आप देखिए कि भीतर से बाहर, बाहर और भीतर, हम लोग गृहस्थी हैं, हम लोग इस दुनिया में जी रहे हैं, हमको दोनों जगत में जीना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि व्यक्ति केवल एक ही जगत के अंदर जिए, क्योंकि हमारा शरीर है, परिवार है, घर है, संपत्ति है, धन है, दौलत है, हमारा देश है, समाज है, सबके साथ हमको काम करना पड़ता है। तो बाह्य जगत के साथ साथ में भीतर के जगत का, दोनों का सामंजस्य बिठाना पड़ता है। यानी हमको आत्मानंद भी बनना है और विषयानंद तो ऑलरेडी बाहर से जितनी इंद्रियां हैं वो विषय लेती रहती है और विषयानंद बनी जाती है। विषयानंद के लिए कोई विशेष जो है वो परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आत्मानंद के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है, पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। और जो वास्तव में जो पुरुषार्थ है वो आत्मानंद बनने का है। विषयानंद तो इस शरीर की आवश्यकता है, इस शरीर से जुड़ा हुआ है, ये अपने आप ही आता रहता है। और
जो हमारा भीतर का जगत है, जिसके अंदर आत्मा का निवास है, वहाँ आत्मानंद होता है। अब देखिए आत्मानंद कैसे प्राप्त हो। आत्मानंद प्राप्त करने के लिए हमें ये संकल्प करना पड़ेगा कि जगत के किसी भी जीव को हम दुख न दें, तकलीफ न दें। अगर हम तकलीफ देंगे तो आत्मानंद नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगले को तकलीफ देने से पुनः हमको तकलीफ मिलेगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। इस सिलसिले को समाप्त करने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव के अंदर बदलना पड़ेगा कि एज यू सो सो विल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है तो आपको वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया हमारे ध्वनि की प्रतिध्वनि है। हम आप किसी एक कुएं के पास जाकर के आप ओम की आवाज़ लगाइए तो भीतर से आपको प्रतिध्वनि के रूप में ओम सुनाई देगा, और आप जो आवाज़ लगाइए तुम चोर हो तो भीतर से आवाज़ आएगी तुम चोर हो। यानी हमारा जो है वो सारा ये प्रतिध्वनि है, और प्रतिध्वनि से संचालन होता है, और ये प्रतिध्वनि हम कैसे करते हैं ये हमारे पर निर्भर करता है, और यही हमारा पुरुषार्थ है कि अच्छी ध्वनि करें ताकि हमें अच्छी प्रतिध्वनि मिले। तो आज हम उस पुरुषार्थ की बात करते हैं, कुछ इस तरीके के पुरुषार्थ की बात करते हैं जिससे कि दोनों जगत विषयानंद भी मिल जावे और आत्मानंद भी मिल जाए। विषयानंद का अर्थ यह नहीं है कि हम अनैतिक कार्य करें। हमारा जो बाहर का जगत है, जो व्यवहार जगत है, उसमें हम आनंद के साथ रहें, हम परिवार में आनंद के साथ रहें, समाज में हम आनंद के साथ रहें, और जो हमारा वर्किंग फील्ड है उसमें हम आराम से अपना काम करें। हर व्यक्ति बड़ी खुशी खुशी के साथ में वो अपना काम करे, क्योंकि वह उसको काम करना पड़ेगा। हर व्यक्ति जो है पीछे से प्रभाव लेकर के आता है, जो पीछे से कॉज लेकर के आता है, उसका इफेक्ट जो है इस जन्म में मिलता है। पूर्व जन्म का कॉज इस जन्म में इफेक्ट मिलता है। इसीलिए पूरा ये हमारा वर्तमान का जीवन है ये बंधा हुआ है, जन्म से मृत्यु तक है हम प्रवृत्ति करते रहेंगे। ऐसी कभी स्थिति नहीं आती है कि पूरे जीवन भर हम मन वचन काया तीनों में से किसी की प्रवृत्ति न करें। और प्रवृत्ति करने के हमारे ये तीन बड़े साधन हैं जिसको हम योग करते हैं। मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं, वर्तमान का चिंतन करते हैं, और भूतकाल की स्मृति में चले जाते हैं, और उसके साथ साथ में भविष्य की कल्पना में चले जाते हैं। और वचन है हमारा एक लोगों से दूसरे लोगों के बीच के अंदर समाज से संपर्क करने का जो माध्यम है हमारा वचन है, हमारा जो है ये वाणी है। और तीसरा जो हमारा शरीर है, सारे काम दुनिया में शरीर के माध्यम से होता है। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि शरीर के बिना किया जाए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, इस शरीर को धर्म साधना का माध्यम बनाना चाहिए। जब हमें काम करना ही है और हमें आत्मानंद बनना है तो हमें इस शरीर को एक धर्म करने का माध्यम बनाना चाहिए। शरीर के लिए भी कहा गया है शरीर माध्यम, शरीर के लिए भी कहा गया शरीर व्याधि मंदिरम। ये जो हमारा शरीर है ये पूरे व्याधि का मंदिर है। इस शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियां आती रहती है, क्योंकि ये पौद्गलिक है, ये जड़ है, और ये गलन मिलन धर्मा है। जो भी जड़ पदार्थ होता है वो गलता रहता है, मिलता रहता है। ये हमारा शरीर है, जड़ है। तो आज हम वो पांच सूत्रों की बात कर रहे हैं कि उन सूत्रों के माध्यम से हमारा भीतरी जगत और बाह्य जगत, यानी हम दोनों के जगत और विषयानंद और आत्मानंद है, दोनों का आपस में सामंजस्य बिठा सकते हैं। तो पहला सूत्र हमारा भाव क्रिया। भाव क्रिया का अर्थ होता है कि जो भी काम करें उसके अंदर दद्दचित होकर के काम करें। खेलने के समय खेलना, पढ़ने के समय पढ़ना, सोने के समय सोना, विचार के समय विचार करना, वक्तव्य के समय ध्यान वक्तव्य में रखना, ड्राइविंग करते समय ध्यान ड्राइविंग रखना, और हम सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, गमन योग होता है तो हमारा पूरा ध्यान गमन योग में रहना चाहिए, नीचे देख के चलना चाहिए, वो किसी कीड़े मकोड़े किसी भी बेचारे छोटे जो है प्राणी की हत्या नहीं हो जावे। तो इस तरीके से हमें जो कुछ भी करना है वर्तमान में रह करके करना है, वह भावक क्रिया कहलाती है, टू रिमेन इन द प्रेजेंट। तो क्योंकि प्रेजेंट के लिए कहा गया है कि यस्टरडे हैज गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट,
एंड द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज विद अस टू डू समथिंग। अगर कुछ करना चाहते हो तो ये वर्तमान का एक क्षण है, उसमें ही करना चाहिए। क्योंकि आज हम कहते हैं कि हम कल ये काम करेंगे तो कल तो कभी आता नहीं। जब हम कल के अंदर जाएंगे तो वो आज बन जाएगा, तो इसका अर्थ ये कल कभी आता ही नहीं है। तो हम कल का क्यों इंतजार करें? काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में परले होगी और बहुरी करेगा कब। जो कुछ करना है, जो कुछ भी अच्छा कार्य करना है, वो तुरंत कर डालिए, शुभस्य शीघ्रम। जो अच्छा कार्य तुरंत करना चाहिए, क्योंकि अगली सांस आए या ना आए, तो उसके लिए हमें समय का नियोजन करना चाहिए और सब काम वर्तमान में रह करके करना चाहिए। वर्तमान के अंदर जीना चाहिए। वर्तमान में जीवन जीने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उसका सारा कार्य जो है बहुत संतुलित तरीके से होता है। और वर्तमान में जीना एक धार्मिक क्रिया है। वर्तमान में जीना और भावक क्रिया करना एक साधना है। भावक क्रिया हमको मुक्ति की ओर ले जाती है। तो हमें ये पहला सूत्र मिला, हमें हर क्षण वर्तमान में जियो। जो भी कार्य करो वो वर्तमान में चिंतन पूर्वक करो और वो दद्दचित होकर के करो। अब हम दूसरे बिंदु के ऊपर आते हैं, भावक क्रिया प्रतिक्रिया विरति। देखिए हमारा भीतर का जगत कैसे बिगड़ता है जब हमारी किसी से तू तू मैं हो जाती है। जब किसी से हमारा टकराव हो जाता है तो हमारी मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए हमेशा टकराव टालना चाहिए, प्रतिक्रिया विरति करनी चाहिए। दुनिया में कोई भी बात कहे, ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहो, सुनो ज़्यादा, कहो कम, और जितनी आवश्यकता हो उतना मृदु बोलो, मीठे बोलो, सत्य वचन बोलो, प्रमाणिक बोलो। और उससे आपकी क्या होगा कि प्राण ऊर्जा है उसका बचत हो जाएगी। प्राण ऊर्जा हमें हर कार्य के लिए चाहिए। मन वचन काया की जो कोई भी प्रवृत्ति होती है, वो सारी प्रवृत्तियाँ जो हमारी प्राण ऊर्जा के द्वारा होती है, तो उस प्राण ऊर्जा का हमें बचत करनी चाहिए। क्योंकि उस प्राण ऊर्जा के बचत करने से हम कोई भी कार्य करेंगे वो कार्य बड़ा फुर्ती से हो जाएगा, वो काम अच्छे तरीके से हो जाएगा, वो दिलचस्पी के साथ हो जाएगा, उसमें हमारा इंटरेस्ट रहेगा। तो प्रतिक्रिया विरति, हम तू तू मैं को रोकना चाहिए, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। अगर हमने एक बात कोई कही तो सामने वाला दो कहेगा, फिर आप दो की चार कहोगे, चार की आठ है। ये सिलसिला चलता रहेगा और ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते जो है मेंटल तनाव तो होगा ही, स्ट्रेस स्ट्रेंथ होगा ही, लेकिन वो लोगों का उसके साथ जुड़ने से, पार्टीबाजी होने से ये मामला प्रेस्टीज पॉइंट बन जाता है और मूंछ का सवाल बन जाता है। और ये बनकर के व्यक्ति कोर्ट केस तक जा सकता है, पुलिस कार्रवाई तक जा सकती है। इतना बड़ा जो है हमारी प्रतिक्रिया करने का फल हमको बहुत दुष्परिणाम मिल जाते हैं। तो प्रतिक्रिया विरति करते हैं, प्रतिक्रिया को रोको। कोई कहता है तो सुन लिया, आवश्यक हो गया तो वेरी सॉफ्टली उसको समझा करके और वो बात कर ली, तो प्रतिक्रिया विरति। तीसरा मैत्री। देखिए हमें यह चिंतन करना चाहिए कि पूरे विश्व के अंदर हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सभी हमारे दोस्त है। खामे में सब जीवे, सब्बे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूयसु वेरन मज्जन केड़ई। मैं समस्त जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, सभी मेरे मित्र है, किसी से मेरा शत्रुता का भाव नहीं है। कितना सुंदर उपक्रम हमारे पास है। दुनिया के अंदर किसी को भी दुश्मन मत मानो, और दुश्मन कोई होता भी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई दोषित नहीं है। कोई व्यक्ति सामने हमारा कोई बुरा करने आता है तो वो तो हमने पुराने समय के अंदर कॉज डाले हैं, वो तो बेचारा निमित्त बन करके हमारे जो कॉज है उसको इफेक्ट देने के लिए आया है। क्यों? बिना निमित्त के तो कोई कार्य नहीं होता। उपादान हमारा होता है और निमित्त सामने वाला होता है, चाहे सेवा के संदर्भ में हो, चाहे हमको कष्ट देने के संदर्भ में हो, कोई न कोई निमित्त अवश्य बनता है, लेकिन वो दोषी बिल्कुल नहीं होता है। वो तो हमारे द्वारा ही बुलाया गया है, वो तो हमने उसको कॉल किया है, वो हमारा निमित्त बन के आ रहा है, हमारे कॉजेस डाले हैं, वो इफेक्ट में कर्म फल बन रहे हैं और कर्म परिणाम दे रहे हैं, उससे सुख दुख की अनुभूति होती है। तो भावक क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्ति मैत्री। समस्त प्राणी 84 लाख जीवायोनि प्राणियों के साथ के अंदर हमको मैत्री का भाव रखना चाहिए। अनुभव उनके साथ ऐसा होना चाहिए, आत्मवत होना चाहिए, हमें
उन सबको एक हमारी आत्मा के तुल्य सबको आत्माओं को समझना चाहिए और हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो हमको अच्छा न लगे, तो वैसा ट्रीटमेंट हमें दूसरे के साथ में नहीं करना चाहिए। यही मैत्री भगवान महावीर ने कहा, अपना सच में से जा मैथिंग भूए सुकपे, तुम आगे बढ़ना चाहते हो, सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, केवल ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, ईश्वर बनना चाहते हो, तो खाली मेरे पीछे चलने से, मेरे अन्यायी बनने से कोई भी आपको लाभ नहीं होने वाला है। आपको लाभ होगा कि जो रास्ता मैंने देखा है उस रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा, और उस रास्ते पर चलने पर क्या करना पड़ेगा, समस्त जीवों को साथ में मैत्री करनी पड़ेगी, सभी जीवों को अपना मित्रवत समझो, और सभी जीवों को जो है वो हमारे आत्मा की तरह, जैसी मेरी आत्मा है वैसी आत्मा भी अन्य जीवों की तरह, तो मैत्री, तो भावक क्रिया प्रतिक्रिया विरति मैत्री। मित भाषण, देखिए जो मित भाषण है एक ये ऐसा अच्छा विषय है कि व्यक्ति को सबसे मित्रता कर देता है और किसी भी व्यक्ति के साथ में शत्रुता पैदा नहीं करता है। तो हमें कम बोलना चाहिए, ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति होता है वाचाल होता है, उससे उल्टी सीधी बात भी निकल जाती है और टकराव खड़ा हो जाता है, और जो ज़्यादा बोलने से हमारी प्राण ऊर्जा है वो उसका क्षय होता है, प्राण ऊर्जा समाप्त होती है। ऐसा काम क्यों किया जाए जिससे कि हमारी प्राण ऊर्जा का क्षय हो? हमें प्राण ऊर्जा तो बचाना है क्योंकि अनेक कार्य करने हैं, तो इसलिए भावक क्रिया प्रतिक्रिया वृत्ति मैत्री, मित भाषण और मिताहार। देखिए जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम जो भोजन करेंगे वैसा ही हमारे विचार बनेंगे, इसीलिए कहा गया है कि उसके अंदर अन्न का बहुत बड़ा जो है योगदान है, क्योंकि सारी जो प्राण ऊर्जा हमारी बनती है वह भोजन पानी और हमारी प्राण वायु और अग्नि के द्वारा बनती है, चारों मिलकर के जो है वो हमारी प्राण शक्ति बनाते हैं और उसके द्वारा ही हमारी हर तरह का संचालन होता है। तो भोजन का हमारे जीवन निर्माण में, हमारे शरीर को संचालन के अंदर बहुत बड़ा योगदान है वह भोजन है। हित मित रित लिया जाना चाहिए, हितकर भोजन न्यूट्रिशियस होना चाहिए, उसके अंदर 20% प्रोटीन, 10% कार्बोहाइड्रेट, 10% हमारी 10% फैट और 4% मिनरल, इस तरीके से लिया जाना चाहिए। तो हमारा जो है ये भोजन अच्छा होने से विचार अच्छे होंगे, इसीलिए कहा गया है जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व। हम दूसरों के साथ में अच्छा कार्य करें तो उस कार्य के लिए हमें जो है वो अपने भोजन पर बहुत ध्यान देना चाहिए, भोजन हमारा असंतुलित नहीं होना चाहिए। तो भावक क्रिया प्रतिक्रिया विरति मैत्री, मित भाषण और मिताहार, हमें सीमित भोजन करना चाहिए, हितकर भोजन चाहिए और रित भोजन होना चाहिए, जो हमारी ऋतु है उसके अनुसार भोजन करना चाहिए। तो ये पांच ऐसे सूत्र है जो कि हमें आत्मानंद देते हैं, आत्मा के आनंद की अनुभूति के लिए हमारा जो व्यवहार जगत है वह एक बैलेंस्ड होना चाहिए। व्यवहार के जगत के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस है तो हम आत्मानंद नहीं हो सकते। जैसे कि देखिए हम गृहस्थी हैं और हमारे घर के अंदर कलह चलती है बेटे के साथ में, पत्नी के साथ में या अन्य सदस्यों के साथ के अंदर, तो उसका सीधा प्रभाव आपके मस्तिष्क पर आता है, आपकी विचारधारा पर आता है, और आप भीतरी जगत में आनंद लेना चाहते हो, समय लगाना चाहते हो, तो आपका समय खंडित हो जाता है, आपका समय दूसरी ओर लग जाता है, आप टेंशन में चले जाते हो और आत्मानंद को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसीलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना कि हमारा जो बाह्य, हमारा जो है वो व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। निश्चय शुद्धि हमारा लक्ष्य है लेकिन वो व्यवहार शुद्धि भी करना जरूरी है, क्योंकि सारा कार्य होता है वो व्यवहार में होता है। भीतर में तो केवल निश्चय है, भीतर में तो केवल आत्मानंद है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो उसका रिफ्लेक्शन है, वो बाहर है। तो बाहर जो है हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, सबके साथ में संतोषपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, और दूसरा हमें किसी के प्रति बुरे भाव नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर बुरे भाव करोगे, भाव 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 बिगाड़ोगे तो भाव बिगड़ेगा,
भाव सुधारोगे तो भव सुधरेगा। इसीलिए हमें अपनी भाव शुद्धि पर बहुत ध्यान देना चाहिए और जितनी जितनी हमारी भाव शुद्धि है उतना उतना हमें आत्मानंद आता रहेगा और विषयानंद यानी हमारा जो बाहर का जगत है वह भी आराम से जो है हम यापन कर सकेंगे। देखिए हमें जो बाह्य जगत के अंदर रहने के लिए शांतिपूर्ण से अस्तित्व होना चाहिए, हमें सभी के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, तब जाकर के बाहर का जगत अच्छा हो जाएगा। तो अब हम इस एपिसोड को जो आज कसौटी पर कसना चाहते हैं, हम सोनी के पास जाते हैं अपना सोना लेकर के, तो सबसे पहले वो सोने को कसौटी पर चढ़ा के कहता है कि ये 20 कैरेट का है, 16 कैरेट का है, 18 कैरेट का है। वो कसौटी पर कसने से ही मालूम पड़ता है। ठीक उसी तरह से आज के विषय को हम कसौटी पर कसते हैं, आज का हमारा जो विषयानंद और आत्मानंद विषय है ये कितना समसामयिक है, कितना लोगों का फायदा करने वाला है और इससे व्यक्ति के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, समाज कैसे अच्छा बनेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम आत्मानंद प्राप्त कर ले तो विषयानंद तो अपने आप आ जाएगा। हमारा समय है वो केवल विषयों के आनंद के अंदर नहीं लगावे, हम जो है आत्मा का आनंद भी ले। आत्मा का आनंद भीतर है और विषयों का आनंद बाहर है, यानी हमें बाहर और भीतरी जगत का तालमेल बिठाना पड़ेगा। हमें भीतर जाने के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा और तप की क्रियाएं करना पड़ेगा, क्योंकि तप संवर है। तप हमारे आत्मा की शोधन का एक सबसे बड़ा जो आवश्यक जो है आवश्यक वस्तु है। तो हमें तप जो है वो खूब करना चाहिए, तब से हमारा आत्मानंद बढ़ता है। अब देखिए आत्मानंद बनने के फायदे क्या है, क्योंकि आत्मानंद बनने वाला व्यक्ति बहुत अपने आप में संतुष्ट होगा। वो हर परिस्थिति के अंदर यही समझेगा ये तो मेरा किया हुआ है, ये तो मेरा कौज है जो साथ में लेके आया हूँ, तो मुझे ये भुगतना ही है, चाहे अच्छा या बुरा है, इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है। यानी अगर आत्मानंद आप प्राप्त करना चाहते हो तो जगत के हर प्राणी को निर्दोष मानो, निर्दोष दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि दोष किसी का होता ही नहीं है। दोष तो मात्र आपके कारमण शरीर और राग द्वेष का है, जिसने कि जो ये दोष खड़े किए हैं और वो हमारे इस जगत के अंदर आते हैं व्यवहार जगत में। तो भाई और बहनों आज के सुंदर एपिसोड के माध्यम से हम शिक्षा लें कि हमारा दोनों जगत के बीच में संतुलन होना चाहिए। बाहरी जगत का संचालन है वो भीतरी जगत करता है, और भीतरी जगत है वो हमारे पूर्व किए गए कर्मों की जो है अभिव्यक्ति है, क्योंकि हमारे साथ में कारमण शरीर है, हमारे साथ राग द्वेष है, वही कराने वाला है। और अगर आत्मानंद प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमेशा अपने आप को अकर्ता समझो, कि जो ही कोई भी कार्य होता है तो कहना चाहिए ये काम इस शरीर के द्वारा किया गया। निष्कर्ष की भाषा में हम बात करें तो ये हमारा जो आज का एपिसोड है वो बहुत ही लाभकारी है। ये एपिसोड एक व्यक्ति के बाह्य जीवन और भीतरी जीवन के अंदर संतुलन पैदा करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह एक अच्छा इंसान बनता है, वह अपने परिवार के साथ में अच्छा कार्य करेगा, समाज के साथ में अच्छा करेगा, देश का एक अच्छा नागरिक करेगा और विश्व का वसुधैव कुटुंबकम है उसका एक नागरिक बनेगा। तो इसके माध्यम से हम अच्छा परिवार, हम अच्छा देश और अच्छा विश्व का निर्माण कर सकते हैं। इतने इस कार्य के अंदर जो है पोटेंशियलिटी संभावना है। तो इस विषय को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से जो हृदयंगम करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए कि हमारे दोनों जो है जगत है उनका बीच के अंदर जो आपस के अंदर सामंजस्य हो, उनके बीच में इक्विलिब्रियम हो और उनके बीच में तालमेल हो। अगर एक ही हमारा जगत को हमने ध्यान दिया तो दूसरा जगत बिगड़ जाएगा। दोनों पे इक्वली ध्यान देने की आवश्यकता होती है और जहाँ पर सामंजस्य होता है वहाँ की व्यवस्था बहुत ही सुंदर होती है। और इस आज विषय के इस माध्यम से स्वयं व्यक्ति जो है वो अपने जीवन का अच्छा निर्माण कर सकता है, उसको दोनों तरह के जगत का जो है सामंजस्य करना है। तो और देखिए आप विषयानंद की तरफ ज़्यादा जाते हो यानी आप इस लौकिक जगत के अंदर गोते लगाते हो तो एक पक्षीय जीवन हो गया।
गया तो आप क्या करोगे कि विषयों का आनंद लोगे और उसके साथ में मैं और मेरा करके अपना कर्ता भाव करके आप नए कर्मों का बंधन बांधोगे, उससे भव भवांतर के अंदर ये 84 लाख जीवायुनि के अंदर घूमते रहोगे और आपने आत्मानंद को प्राप्त किया है तो आपके भव जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आपके कॉजेज रुक जाते हैं। आत्मानंद व्यक्ति के होते ही व्यक्ति के नए कॉज नहीं पड़ते हैं और नए कर्मों का बंधन नहीं होता है, उसके कारण नया कार्मण शरीर या नई प्रतिष्ठित आत्मा नहीं बनती है। जो एक बार प्रतिष्ठित आत्मा बन गई वह सारा डिस्चार्ज अहंकार होता है वो धीरे धीरे पिघलता रहता है। ये सब कब होता है? ये ज्ञान लेने के बाद में। सही आत्मानंद है, हमको ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। ज्ञान को एक प्रकाश कहा गया है, ज्ञान को एक दीपक कहा गया है कि यह एक घना अंधेरा है, शताब्दियों तक का घना अंधेरा है। उस घने अंधेरे के अंदर एक छोटा सा दीपक जला दिया जाता है तो वो घना अंधेरा छट जाता है, प्रकाश हो जाता है। उसी तरह से हमारी आत्मा है, ये स्वपर प्रकाशक है कि हमें स्वयं को प्रकाशित करती है और बाहर के लोगों को प्रकाशित करती है। यानी जो आत्मानंद की प्राप्ति करने वाला है वो हमेशा उस आत्मानंद को बांटता रहेगा, क्योंकि उसने महसूस किया कि ये बहुत बड़ा आनंद है। और जो विषयों के अंदर हमको आनंद मिलता है, इंद्रियों के अंदर हमको सुख मिलता है, वो तो क्षणिक सुख है, और जो आत्मा के द्वारा आनंद मिलता है वो स्थायी सुख है और अक्षय सुख है। हम धीरे धीरे आत्मानंदी बन जाते हैं तो अक्षय सुख की तरफ बढ़ते जाते हैं, और अक्षय सुख है धीरे धीरे हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा। तो इस तरीके से हम निष्कर्ष की भाषा में कह सकते हैं कि हमारा सारा जो ये कार्य है वह विषयानंद और आत्मानंद के अंतर्गत होना चाहिए। यानी हम जो है अगर अपनी आत्मा को पुष्ट करते रहेंगे तो विषयों का आनंद तो अपने आप आता रहेगा। अब देखिए, कोई व्यक्ति इस जीवन में आया है और वो सोचता है कि मैं पुरुषार्थ करूं, तो जो कुछ उसके साथ चल रहा है वह उसका पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि ये तो उसको लेकर के आया पिछले जन्म से, ये उसकी प्रतिध्वनि है, जो कॉज डाल के आया है उसका ये इफेक्ट है, वो तो होता रहेगा और उसको करना पड़ेगा। अब उसका पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ ये है कि अपनी ज्ञाता दृष्टा जागृति को बढ़ाना है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, और ये शरीर है वो करने वाला है और भुगतने वाला है, यही ये पीछे से लेके आया है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख रहे हो, आप आत्मविज्ञान की आत्मा हो, और आत्मविज्ञान प्रतिदिन आपको नए नए एपिसोड दे रहा है, उससे आपके जीवन का निर्माण होगा। तो आप लोगों को समझाइए, परिवार के सदस्यों को बताइए कि ये बहुत ही सार गर्भित कार्यक्रम है, क्योंकि इसे आत्मा का शोधन होता है, अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, और आपके प्रति खूब खूब शुभकामना। आत्मविज्ञान में, आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।